हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना। और आप लोगों की बढ़िया पढ़ाई भी चल रही होगी। तो चलो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मुझे आप सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट हमें पिन कर देंगे। कार्डिनली मीन्स यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, मेजर्ड, नॉट मेजर्ड, नन ऑफ द अबव। सो कार्डिनली मीन्स, तो इसमें आपने पढ़ा होगा दो अप्रोचेस होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मेजर्ड। कार्डिनली मीन्स कार्डिनल नंबर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या शो करता है। तो ये आपको देखते ही दिख रहा है कि सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी शोज द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम सम टोटल को मानते हैं, यानी जो सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग, कौन से पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, यानी कम होना शुरू हो जाती है। देखो, जीरो पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब वो बढ़ती है, ठीक है। तो जब वो नेगेटिव होगी तब वो कम होगी, ठीक है। तो यानी जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो ये ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी। अभी मैंने आपको बताया द पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में टोटल यूटिलिटी इज डैश एट पॉइंट ऑफ सेट आईडी। ये भी मैंने अभी आपको बताया, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है पॉइंट ऑफ सेट आईडी पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, या फिर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तो आपने चैप्टर टू में पढ़ा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन में ये इटसेल्फ गिवन है, ठीक है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। नाउ फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, या फिर नन ऑफ दी। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर कमेंट में बताओ। इन 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 सेकेंड आप ले लिया करो और फिर बता दिया करो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस फॉर वन कमोडिटी केस, इट इज़ दी कंडीशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट दे आर रेफरिंग टू। जब इकोनॉमिस्ट किसी सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, यूटिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट दे आर रेफरिंग टू, वो किसके किसको रेफर करते हैं। यूजफुलनेस, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट, या फिर रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अनदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। नो, इट्स ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एज पर द ऑर्डिनल अप्रोच,
मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल नंबर्स बट इट कैन बी रैंक. यस, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल नंबर्स. ओके, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू मनी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक्ड, या फिर नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा.